मैं सबसे पहले रोहित बोरा जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम 24 तारीख से मुख्यमंत्री जी राम तकरीबन 20 कैंप हमने देख लिए। उन 20 कैंपों में सबसे शानदार और जानदार बड़ी मीटिंग आपने की। 24 तारीख से लेकर के 14 दिन हो गए और 14 दिन में मुख्यमंत्री जी ने 20 के लगभग कैंप को अवलोकन किया, लोगों से मिले और मीटिंगें भी काफी अच्छी अच्छी हुई। लेकिन आपकी राजाखेड़ा की सबसे शानदार मीटिंग रोहित बोरा जी और इनकी टीम ने कराई है। मैं समझता हूं कि ये सब इनकी मेहनत, आपका इनका लगाव, तीसरी पीढ़ी है ये। प्रद्युम्न सिंह जी के पिताश्री भी राजनीति करते थे, आपने आशीर्वाद दिया प्रद्युम्न सिंह जी को, बहुत वर्षों तक आपने आशीर्वाद दिया। और अब रोहित बोरा जी जिस लगन के साथ में, जिस ईमानदारी के साथ में आपकी सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार काम है। मैं समझता हूं ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपके हाथों के लिए आपकी आवाज बन करके, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन हो, चाहे मंत्री हो, सबके पास जाकर के कहता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज चाहिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूलें चाहिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क पथ चाहिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था चाहिए, किसान के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन के मामला हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, मैं यहाँ ये खड़े होकर कह सकता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान में मैं शिक्षा मंत्री था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अनुमति देकर के शुरू करवाई थी। लेकिन आज राजस्थान में राजाखेड़ा में सबसे शानदार और जानदार और संख्या में ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल आप सबके लिए है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जानता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट दिया है पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, हर राज्य के लोग अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से देख के जा रहे हैं कि क्या किस तरीके की योजनाएं बनी, कैसे धरातल पे लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ओपीएस के बारे के अंदर आराम के देख देख के अधिकारियों की टीम ले जा करके जा रही है कि कैसे ओपीएस लागू कर दी, मोदी जी नहीं कर पाए, दूसरा कोई नहीं कर पाया और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने ये इतनी शानदार व्यवस्था जो सोशल सिक्योरिटी है उसको करने का काम किया है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 4.5 साल के लगभग आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार कांग्रेस की बनी थी उसने आपके सबके लिए कल्याण के काम करने का काम किया है, विकास के काम करने का काम किया है, आपके लिए अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबल योजनाएं लेकर के आए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, बेरोजगार सबका ध्यान रखा गया है। और जो महंगाई से कमर टूट रही थी, केंद्र की मोदी सरकार को परवाह नहीं कर रही थी, उनके कान पे जू नहीं लग रही थी, उन्होंने वादा तो 9 साल पहले किया था लेकिन न तो वो बेरोजगारी कम कर पाए न महंगाई कम कर पाए, उल्टे किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके उनके ऊपर जिस प्रकार का कुठारा करने का षड्यंत्र किया गया, आप सबने देखा होगा कि किसान भाइयों ने किस प्रकार से विरोध किया, 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए लेकिन वो पीछे नहीं हटे, 7 से किसान शहीद हो गए लेकिन आप सबके कारण से वो 3 काले कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। आज 500 रुपए में सिलेंडर, 72 लाख या 76 लाख माता बहनों को उज्ज्वला योजना जिनके कनेक्शन है उनको मिलेगा, 1000 रुपए की पेंशन 58 साल के उन तमाम लोगों को मिलेगी। आपने देखा होगा कि नरेगा में 100 दिन का काम पूरा होने पे राज्य सरकार के खर्चे के ऊपर 25 दिन का और रोजगार यानी 125 दिन का रोजगार मिलेगा, 25 लाख रुपए तक का आपका स्वास्थ्य का बीमा हो गया, किसी तरह की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। आपकी स्वास्थ्य की, शिक्षा की चिंता हमारी सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर ली है। मैं समझता हूँ आज ये जो संख्या है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रोहित बोरा जी की मेहनत, इनका लगाव और आपके 5 साल के लगभग जो कार्यकाल हो गया, 5 बजट आपने पेश किए हैं, इनके कल्याण के लिए पेश किए हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए पेश किए हैं,
इनकी मजबूती के लिए किए हैं, इनकी महंगाई कम करने के लिए किए हैं, उसका परिणाम है कि आज ये नवाजमा आखिरी तक आप देख नहीं सकते। लाखों की संख्या में जो लोग आप आए हो, वास्तव में ये सब इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कांग्रेस के मेरे कार्यकर्ताओं से, मित्रों से, साथियों से, पदाधिकारियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मौका है, जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमको इन कंधे से कंधा मिला करके इन राह कैंपों में जाना चाहिए। हमारे गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में, वार्ड में, मोहल्ले में, शहर में, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को इन कैंपों तक लाइए और ला करके इनका फ्री में रजिस्ट्रेशन कराइए। 10 तरह की गारंटी जो हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं उनका लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित करने का काम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इन जनता के बीच में रहकर के सेवा की है उसको कोई भी आगे पदों से रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए हो, बहुत अच्छी बात है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और एक नजर ये भी डाल लीजिए कि राजस्थान में 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या योजना ला करके आपका फायदा किया है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार का माहौल आज देश में बना हुआ है, मोदी जी, अमित शाह जिस प्रकार से कुशासन दे रहे हैं, कल आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के लिए मारने की धमकी देना इससे बड़ा निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता है। ये बौखला गए हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में कांग्रेस की राजस्थान में पुनः सरकार बनाइए, 2024 में मोदी सरकार का सूबा साफ करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इनका अहंकार, इनका जिस प्रकार फासिस्टवादी प्रवृत्ति है उससे सब लोग तंग आ चुके हैं। न महंगाई कम कर रहे हैं, न बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, केवल और केवल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है, अगर ये मोदी जी दोबारा आ गए, इनका शासन आ गया, तो यहाँ पर चुनाव होना बंद हो जाएंगे, ये दिशा भी आने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आपने एक शानदार कार्यक्रम किया है, सब लोगों की मेहनत है। वास्तव में अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे कैंप लगाए हैं। सीकर जिला सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन में प्रथम है, लेकिन आप द्वितीय हो, पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे हो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने वाले में। तो ये सब लोग आप मेहनत कर रहे हो, इसका नतीजा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोल करके ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि जनता जनार्दन जिसने आशीर्वाद देकर के सरकार बनाई है, उन सबको हम कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके, इस बात के लिए हमको गांव, ढाणी, खेत, खलिहान में निकल जाना चाहिए। इनसे कंधे से कंधा मिला करके इनको ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो ये पुणे माने मुख्यमंत्री जी ये मन बना करके आए हैं, एक भी आदमी उठा नहीं है, 6 घंटे से बैठे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार की योजनाओं से और आपसे और हमारी सरकार से खुश है। ये दोबारा 2023 में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।